ये गाइस देखो मेरी शादी के बाद की फोटो, ये पहली एनिवर्सरी की फोटो है ये मेरी मम्मी शादी। कृति सर वाह हैं। यार कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं। ये पापा की शादी की है, ये चार पाँच पूजने जा रही हूँ। अम्मा ताई जी केली ताई जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। और गाइस सब कैसे आए, होप सो अच्छे और स्वस्थ। और गाइस बज रहे हैं अभी 12, सो कर उठ तो गए थे जल्दी भाई। अपना कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ते में मूली पराठे और लेजी लेजी सो रहा है, क्योंकि अर्षित भी नहीं, हर्षित छोड़ मिलता। मम्मी जल्दी नाश्ता ना दो, मम्मी खाना बना दो। भाई आराम से उठे, आराम से काम कर रहे हैं। और अभी बनाए मैंने मूली के पराठे, और फिर मुझे जाना है फिर मार्केट। मम्मी के जाऊंगी पहले, मम्मी से मिलूंगी, फिर वहीं की भैया मार्केट निकल जाएंगे। तो गाइज आ जाओ नाश्ता कर लो, मूली के पराठे विद बटर। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, और भाई मुझे मेरा जो लग हो गया टाइप फोन, तो फोन आ रहा है, मैं फटाफट से चलती हूँ, ये कह रही मैं छोड़ आऊँगा, तो चल जल्दी से और चलती हूँ। फिर वहीं से जाएंगे मार्केट खाना वाना खा के। तो भाभी कह रही थी कि लंच बना रखा है मैंने, तो लंच करके फिर चलेंगे। तो मम्मी से मिलूँगी, फिर आते हुए सीधा फिर घर ही आ जाऊँगी। ये तो गाइज रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ भाई, पौने 2 बज गए हैं और पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है भाभी। चलो कोई नहीं, जो भी है सारे काम तो करके ही आ रहे हैं आज। चढ़ाई करने ऊपर पूरी चढ़ाई हो जाती है दूसरे में। ये तो भाई पागल हो रखे हैं बच्चे। हाँ, बस हाँ दे दिया। अब वेट करो नेक्स्ट लेवल का। अब तुझे याद नहीं आ रही मेरी? पानी वाली है? पानी वाली साइड। अब तुझे याद नहीं आ रही मेरी? ओ दिखावटी रहने दे। एक बार भी ना बोला, हाँ याद आ रही। फिर बोला था मैं तो ना सुना। और है क्या? ओ भाई यहाँ लेते हैं हम कढ़ी चावल जो बने हुए हैं यहाँ पे, और हमने ले लिए कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल खाते हैं हम। ओ भाई साहब देखो, और मामी हम जा ही ना रहे, कल सुनो, कल तुमने खा लिया सब चीजें खा ली, बस तो आज हम खा लेंगे बाहर। तू बर्फी जो तू खा नहीं रहा, चटनी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ कुछ नहीं आएगा। हाँ मैं तो दो प्रॉफिट होएगा मुझे तो, दोनों खाए कब खाए गोलगप्पे? और बता लो, और बता लो गोलगप्पे खाए? भैया एक चीज लाएंगे, एक चीज बता दो, एक लाएंगे नहीं, एक बताया मैं तो, दो हो गए भाई। एक चीज आएगी, एक चीज, ये तो दो हो गई। तो गाइस हम निकले हैं 3 बजे मार्केट, और देखते हैं हम कितने बजे आते हैं मार्केट से। वजह में तो रात ही होने वाली है, लेट हो गए कहाँ, तो हम 1 बजे निकलने वाले थे, कहाँ में 3 बज गए पूरे। फाइनली एंट्री हुई है चीना मटीना के ड्रेसेस के लिए सबसे पहले। ये टाइट है, टाइट है। अभी आप कह रहे थे वो लूज है, ये टाइट। शॉपिंग कर करके हम खाएंगे बड़ा पाव मुंबई वाला। चीनी ने नहीं खाया, किसी ने भी नहीं खाया बड़ा पाव, हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे बड़ा पाव। ठंडे हैं भैया, ठंडा तो गए, और हमने जमा लिया यही डेरा भैया के ना, क्या कहते हैं स्टूलिया, और बड़ा पाव खाते हैं बॉम्बे वाला आमची मुंबई। कहते देखो बड़ा पाव की ऐसी पैकिंग मिली है, ठीक है अब देखते हैं भाई कैसा है टेस्ट, कैसे कैसे।
गाइस बुआ जी ने करा लिया है कट और ये बुआ जी का न्यू लुक। बुआ जी यहाँ हमारा न्यू लुक न्यू लाइक में इसकी मम्मी ने भी हाथ धो डाले हैं अच्छे से ये गलाने में लगी है कटिंग भाई आ जाइए हर्षित की मामी और मौसी हरियाणा से और हर्षित का इंतजार कर रहे थे। देखो हर्षित आ गया और ये कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने कब बोला तो मामी कह रही है बोर हो रहा है तू आया नहीं पानी तो भाई हम तो रात में ही डाल देते हैं पानी। तो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे और मैं आ गई मार्केट से सीधा आ गई क्योंकि भाई हम 3 बजे गए थे 4, 5, 6, 7 और 7:30 मतलब 4-5 घंटे लगे भाई हमें खड़े ऐसे प्यार ऐसे हो गए जाम बिल्कुल। और आ गए हम घर पे और हर्षित आया नहीं था हर्षित अभी आया है बाद में हर्षित को मामा छोड़ के गए मैं सीधा आ गई थी मार्केट से। तो गाइज काम वगैरह हो गया है और हम सोच रहे हैं अभी दिवाली की सफाई स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज काम हो गया 10:30 बज रहे हैं और हमने स्टार्ट करी है पता है कहाँ से अलमीरा साफ करें और उसमें निकला पता है क्या मेरी शादी का कार्ड कैसा कार्ड है ये पहले के जमाने की। हाँ तो पहले के जमाने की है हम भी हाँ तो मतलब भाई अब वेस्ट ऑफ मनी है ना भी फालतू की क्या और क्या उस टाइम वेस्ट ऑफ मनी थी अब है वेस्ट ऑफ अब तब भी था। देखो कार्ड कितना प्यारा है। हाँ ये गाइस ये देखो ये इनकी तरफ का कार्ड था हमारी शादी का और ये हमारी तरफ से था ये भी दिखा दो। हाँ भैया हम ठीक है ये देखो गाइस 7 नवंबर मेरी बुआ की शादी में जरूर आना अभिषेक निक्की और रिंकी निक्की भैया निक्की कौन थे विनीता निक्की कौन था राजीव। देखो ये कार्ड हमने अब तक संभाल के रखे हुए हैं कार्ड देखो ये इनके यहाँ कार्ड ये तेरी मम्मी का पहला लव लेटर ये मत खोल देना नहीं अच्छा बस मैंने बर्थडे होगा ना हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ग्रीटिंग दिया था इनको बर्थडे पे कहाँ ये आर चीज गैलरी से लिया था ढल गया थे। भाई 24 साल हो गए बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल ऑन योर बर्थडे मम्मी का कार्ड मुझे ज्यादा अच्छा लगा। चुप कर ले नहीं अच्छा लगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे अच्छा लगा मजाक नहीं कर रहा मैं। ये गाइस देखिए देखो ये नोनी नोनी भाई और अर्शित देखा हरिद्वार गए थे हम सारे इकट्ठे और ये देखो मेरी पहली करवा चौथ को दिखाना ये हरिद्वार की देखो कितनी पतली सी थी और ये देखो मेरी पहली करवा चौथ का पहली करवा चौथ घर की महारानी ये देखो यही तो है घर की रानी। और ये हर्षित का प्ले स्कूल का और हर्षित बताना आप कहाँ पर है इसमें हर्षित कहाँ पर है हैंडसम बॉय कहाँ पे हर्षित कहाँ पर इसमें गाइस बताना आप। ये रहा मेरा क्यूट सा बच्चा कितना क्यूट हैंडसम बॉय ये देखो दूर से लग रहा है पास से भी लग रहा है अनिल को
ये एकता दीदी की उसके सगाई की, एकता की सगाई की, वो पैसे की निकाली गई है, फोन से निकाली ना। ये कह रहा हर्षित के प्ले स्कूल का। ये गाइस देखो मेरी शादी के बाद की फोटो, ये पहली एनिवर्सरी की फोटो है मेरी शादी। वाह यार कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं, पतली पतली सी। ये देखो नीलू ताई जी, निमला ताई जी और मैं। यार पहले साड़ी ऐसी पहन ये। हाँ पापा की शर्ट, ये दादू है हर्षित मेरे। अरे पहले हम साड़ी पहनती थी। हमारा ये वाला घर है ना, अलका मौसी वो वाला, ये पुराने वाला घर है हमारा। देख अम्मा और पापा। शादी किया है, चार पाक पूजने जा रही होंगी। अम्मा ताई जी, केली ताई जी, नीलू ताई जी, ये देख परी। ये हरिद्वार गए थे हम तब किया है ना। एक अब तो ये कि कम टाइम है, अब जितना सिमट रहा है ना समेट लो भाई काम को। और एक बार करने लग जाओ ना हफ्ता भर लगता है कपड़े धोने में, और बहुत बहुत हो जाए। फ्रिज साफ करो, किचन साफ करो भाई, बहुत ज्यादा वाले काम होता है। तो ये थोड़ा सा निपटा दिया, किचन थोड़ा सा खाली थे हम, निपटा दिया काम। और उसमें हमने पुरानी यादें भी ताज़ा कर ली, और मार्केट गए भाई। 4-5 घंटे में आए मार्केट से, बस पैरों का तो बज गया बैंड आज हमारा। अब सुबह उठेंगे, हर्षित को भेजना स्कूल, फिर लगेंगे। इसीलिए तुम रामलीला देखने नहीं गए हमारे साथ ना। हाँ मैंने कहा था आपको, आपने कहा तो तू थक गई, आज रहने देते हैं, रहने देते हैं। तो थकी तो ना। हाँ ठीक है, मैं कहा पर्स तो बनना चाहिए था। मैंने सोचा आपका ही मन नहीं होगा यार, इतनी अच्छी आती बजी हुई यहाँ पे। तो चलो गाइस बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो को कैसे लगे। जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।